हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं क्वेश्चंस का रिप्लाई कर रहा हूँ जो हमने इंस्टाग्राम पर पूछे थे। अगर आप हमें अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसे कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर हम एक दिन छोड़ के, वैसे हम पहले डेली होते थे बट अब एक दिन की ब्रेक लेकर एक दिन ऑफ होता है, एक दिन लाइव होता है। वहाँ पर डेली लाइव भी होते हैं, ऑन द डेली बेसिस भी वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और भी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन जो नया ओपन होता है, वीडियो लेट बनती है बट वहाँ पर पहले बन जाता है, तो क्वेश्चंस का वही पूछे क्वेश्चंस का सॉरी मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है जी गुरप्रीत बाजवा जी का। उनका है कि मेरी वाइफ एम कॉलेज में स्टडी कर रही है, CAQ सस्पेंडेड की कोई प्रॉब्लम, मैं अपनी फाइल लगा दूँ। सर आई डोंट थिंक, मुझे अभी अपडेट नहीं है कि स्पाउस वीज़ा की फाइलें लगनी शुरू हो गई हैं कि नहीं। अगर आप स्पाउस वीज़ा के लिए पूछ रहे हो, डिपेंडेंट वीज़ा के लिए पूछ रहे हो, और मेरे पास उसकी अपडेट नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिए ना। मैं उसमें डील करता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है, बट अगर ओपन हो चुकी है एंड आपकी वाइफ वहाँ पर पढ़ रही हैं तो आई डोंट थिंक CAQ का इफेक्ट होगा आपकी फ़ाइल पर, वो डिफरेंटली जज की जाती है। बाकी अगर आप उन्होंने कॉलेज चेंज करना है या फिर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो भी करना वो करने के बाद फिर करिएगा। बट इफ़ शी इज़ कंटिन्यू टू यू नो स्टडी देयर तो कर सकते हैं, आई डोंट थिंक कोई फ़र्क पड़ेगा। बाकी आपके प्रूफ वगैरह होते हैं जो वो सही होने चाहिए, जैसे आपके मैरिटल प्रूफ और जो जो आप अपनी फाइल में लगा रहे हो, उसकी वजह से आप मोस्टली रिफ्यूज़ल आती हैं। कॉलेजेस की वजह से मैंने कभी सुनी नहीं है रिफ्यूज़ल कोई आई हो, एंड लॉजिक भी नहीं बनता कॉलेज का कोई रीज़न होने का स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा से पेयर स्पेशली रिफ्यूज़ होने का। तो आप अपनी फाइल पर ध्यान दें एंड आई डोंट थिंक कोई डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है ना। बाकी और भी फैक्टर्स हैं वो आप जो स्पाउस वीज़ा में डिपेंडेंट वीज़ा में अभी डील करते हैं उनसे क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन जी पर्थ जी का है कि आई हैव ओवरऑल 6 बैंड एंड 5.5 इन वन मॉड्यूल, आई हैव कम्प्लीटेड माई बी ई इन इलेक्ट्रिकल, टोटल 13 बैकलॉग्स एड। आई थिंक आप अपनी बैकलॉग्स के लिए परेशान हैं या फिर अपने आयस के लिए परेशान हैं, बट मैं दोनों चीज़ों का आपको कह देता हूँ कि अगर आपके जैसे 6 ओवरऑल, एक में 5.5 है इन वन मॉड्यूल है, तो आपकी कोर्स की सिलेक्शन इज़ द मेन थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर वीज़ा सक्सेस रेशियो। इवन इफ़ यू आर बॉदर्ड अबाउट योर 13 बैकलॉग्स, आई डोंट थिंक 13 बैकलॉग्स कोई ज़्यादा होती हैं। मेन इशू आपके कोर्स की सिलेक्शन पर, हाँ चॉइसेस कम हो जाती हैं। देखो मेन जो इशू होता है ना, किसी की बैकलॉग ज़्यादा हो या फिर किसी का आज का स्कोर कम हो, ये दो फैक्टर्स, सिर्फ ये दो फैक्टर्स की अभी बात करें तो इन दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो ऑप्शंस की आती है, जो ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं कि नहीं है। अब जैसे मैंने, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो तो मैं इस 5.5 के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ कि एक्सेप्टेड है, कॉलेजेस जो जो ओपन होते हैं जिनमें हम डील करते हैं उसके बारे में वीडियो बनाते हैं। बट जब हमें स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं तब सीन डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि शायद वो बच्चे भी देख भी रहे होंगे, क्योंकि जो कॉलेजेस ओपन होते हैं उसमें लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड कोर्सेज हैं मोस्ट ऑफ टाइम। करंटली सिनेरियो ये चल रहा है, जैसे 22 दिसंबर है, आज का आपको सिनेरियो मैं बता देता हूँ, आजकल ये चल रहा है कि कॉलेजेस जो जो ओपन थे जहाँ पर रिलेटेड प्रोग्राम था वो भी क्लोज हो चुके हैं, तो मुझे उनको मना करना पड़ रहा है कि भैया नहीं कर सके। सेकेंड मुझे ये दिक्कत आ रही है कि जो भी दो में 5.5 में, एक में 5.5 वाले आ रहे हैं, उनकी परसेंटेज बहुत कम है या फिर उनके कोर सब्जेक्ट में नंबर बड़े कम है, नहीं तो 10वीं में बहुत कम है। ये दो तीन फैक्टर्स मैं फेस कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे मना करना पड़ रहा है। और आई नो वो स्टूडेंट समझ भी नहीं रहे होंगे, उनको लगेगा अच्छा वीडियो पे तो ये बोल रहा है कि दो में एक में 5.5, दो में 5.5 एक्सेप्टेड है, और जब हम कॉन्टैक्ट करें हमें मना कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उनका बैकग्राउंड भी मैटर करता है। और यही इशू होता है आप किसी भी, किसी के एक में 5.5 हो या बैकलॉग हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास ऑप्शंस कम है और उन ऑप्शंस, लिमिटेड ऑप्शंस में आपको एक रिलेटेड कोर्स चूज करना अपनी स्टडी के साथ। और अगर आप ये कर लेते हो आपके सक्सेस चांसेस अच्छे रहेंगे, अगर आप ये नहीं करते हो तो नहीं अच्छे रहेंगे। और हर प्रोफाइल के लिए डिफरेंट कोर्स रिलेटेड होता है। बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि सर मेरे एक में 5.5 है, बताओ कहाँ कहाँ लग जाएगा, कहाँ ट्राई करें, मॉन्ट्रियल करें, क्यूबेक करें, ये करें, वो करें, और मुझे उनकी प्रोफाइल के बारे में नहीं पता होता। और जब भी आफ्टर अ टाइम मैंने एक टाइम आता है जब मैं फेडअप हो जाता हूँ एक्सप्लेन करके, थक जाता हूँ, और फिर मैं कहने लगता हूँ हाँ सर हो जाएगा, कर दो, भेज दो। और जैसे वो डॉक्यूमेंट भेजते हैं, उनकी किसी के अकेडमिक कम है, किसी का कुछ कम है, किसी का कुछ कम है, और फिर उनको हमें उनको मना करना पड़ता है। कुछ तो जब हम बता देते हैं तब राइट अवे मना कर देते हैं, बट एक टाइम आता है कि हो जाएगा नहीं होगा, हो जाएगा नहीं होगा, तो कोई ना कोई स्टाफ में बोल देगा हाँ सर हो जाएगा, भेज दो यार।
ऑप्शन देख देते हैं, अगर हमारे पास होगा तो भेज देंगे। तो ये चीज़ हमें पर्सनली फेस करनी पड़ेगी, बट अगर आप इस चीज़ को समझ लो और इसके अकॉर्डिंग फिर अपना चूज़ करो तो आपका चांसेस भी अच्छे रहेंगे और आपका वीज़ा भी अच्छा लग जाएगा और आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जिनकी स्कोर कम होता है आपके, चाहे बैकलॉग ज़्यादा हो चाहे आपकी आई स्कोर कम हो, चॉइसेस लिमिटेड हैं, तो मेहरबानी करके आपका प्री प्लान्ड एक होता है ना, एक प्लान सा चल रहा होता है कि मैंने यहाँ पर ही जाना है, मैंने यहाँ पर ही जाना है, मैंने यहाँ ही करना है, तो वो प्लीज़ साइड में रख दिया करो, क्योंकि आप वहाँ पर एलिजिबल मोस्टली नहीं होते स्टूडेंट्स। अगर होते तो दे देंगे यार, हमें देने में कोई इशू नहीं, किसी कंसल्टेंट को देने में कोई इशू नहीं, बट अगर आप नहीं हो तो आपको मना कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ अपने ये अलग अलग परसेप्शंस जो आप बना लेते हो वो साइड में रखा करो, तो आपको ट्रस्ट में बहुत ईजिली हो जाएगा। जितने भी केसेज मैं पर्सनली नोटिस करता हूँ, जो रिफ्यूज़ होते हैं 1 में 5.5 में, जो ये सारे इशू वाले मोस्टली सही कोर्स की सिलेक्शन की वजह से नहीं होते। और जब आप उनको पूछते हो भैया आपने ये क्यों लिया, कोई बहुत, हाँ कुछ लोग बोलते हैं हाँ कंसल्टेंट ने दे दिया, बट कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि सर यहाँ पर मेरा फ्रेंड था, मेरे रिश्तेदार, मैंने सोचा यहाँ पर वीज़ा लग जाता है, मैंने सोचा इस कॉलेज का सक्सेस रेशियो अच्छा है, ये है वो है, और ये भी आपकी गलती निकलती है। जहाँ पर हम कंसल्टेंट्स को ब्लेम करते हैं, प्लीज़ अपनी गलतियों को भी समझो, जब तक आप समझोगे नहीं वो सही नहीं होगी और आपका जो वीज़ा अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एंड एनीवे सॉरी, मैं ये काफ़ी लंबा ले गया, बट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन द करंट सिनेरियो विच इज़ गोइंग ऑन, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन तो आई थिंक हर हफ्ते पूछा ही जाता है इसलिए। एंड अगर आपको ठीक लगी वीडियो, समझ आया आपको, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।